Sundar from Government of Samadhi School, New Karachi. Today I am going to our 7th lecture of class 1 English. Unit number 2, our school library. ये वाली एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 11 पर मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स विद आ और एन. सही, जो ब्लैंक्स दी भी है हमें किसकी मदद से फिल करनी है, आ और एन की मदद से ये ब्लैंक्स हमें फिल करनी है. ठीक है, तो आ किस में लगता है और एन किस में लगता है मैं आपको बताती चलूँ. जो वॉवल्स होते हैं, वॉवल्स ए ई आई ओ यू, इसके साथ क्या लगता है एन, क्या लगता है एन. और इसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स हैं उनके साथ क्या लगता है आ, इनके साथ वॉवल्स के साथ एन लगता है और कॉन्सोनेंट के साथ आ लगता है. अब हम देखते हैं आ डोर, डोर डी क्या है, डी देखिए वॉवल्स में आता है, ए ई आई ओ यू डी वॉवल्स में नहीं आता, डी किस में आता है कॉन्सोनेंट्स में आता है, तो क्या होगा आ डोर, आ डोर. ठीक है, नंबर टू है डैश ऑरेंज. सबसे फर्स्ट वर्ड क्या है ऑरेंज, ऑरेंज किस से स्टार्ट हो रहा है ओ से, ओ क्या है ओ कॉन्सोनेंट या वॉवल्स है, ए ई आई ओ, ओ क्या है वॉवल, तो क्या लगेगा ओ वॉवल के साथ एन, ए एन. नंबर थ्री है डैश एग, ठीक है एग, एग किस से स्टार्ट हो रहा है ई से, ठीक है ई, ई क्या है वॉवल है या कॉन्सोनेंट हम मालूम करते हैं, ए ई, ई क्या है वॉवल, तो उसके साथ क्या लगेगा वॉवल के साथ एन लगेगा, क्या लगेगा एन. नंबर फोर है डैश एयर, एयर किस से स्टार्ट हो रहा है ई से, ई क्या है वॉवल या कॉन्सोनेंट देखते हैं, ए ई आई ओ यू ई क्या है ये वॉवल, इसके साथ क्या लगेगा एन, क्या लगेगा एन. नंबर फाइव है डैश पेन, पेन किस से स्टार्ट हो रहा है पी से, ठीक है आप देखते हैं पी वॉवल है या कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, इसमें कहीं भी पी मौजूद है नहीं, पी क्या है कॉन्सोनेंट, इसके साथ क्या लगेगा आ, क्या लगेगा आ. नंबर सिक्स है डैश रेड कार, रेड किस से स्टार्ट हो रहा है रेड आर से, आर देखते हैं वॉवल है या कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, इसमें कहीं भी आर आ रहा है वॉवल में नहीं, वॉवल क्या है तो रेड, आर क्या है कॉन्सोनेंट, तो क्या लगेगा आ. ठीक है, नंबर सेवन है डैश टेबल, टेबल किससे शुरू हो रहा है टेबल टी से, वॉवल में देखते हैं ए ई आई ओ यू, यहाँ पे कहीं भी टी मौजूद है नहीं, तो टी क्या है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा आ. अब एट है आ और डैश बुक, ठीक है बुक किससे स्टार्ट हो रहा है बी से, बी देखते हैं वॉवल है कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, कहीं भी बी मौजूद है वॉवल में नहीं, तो वॉवल बी क्या हुआ कॉन्सोनेंट, तो हम क्या लगाएंगे आ लगाएंगे. नंबर नाइन है डैश अर्न, अर्न किससे स्टार्ट हो रहा है यू से, अब देखते हैं यू वॉवल है या कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू, यू क्या है वॉवल, तो क्या लगेगा वॉवल के साथ एन. ये एक्सरसाइज बुक में दी गई है, आपको बुक में ही हल करनी है, इंतजार कर लो फिर.